कैसा होता अगर हम पास्ट में जा सकते या फिर फ्यूचर में? कैसा होता अगर आप अपना बचपन अपनी आंखों से देख सकते या फिर अपना बुढ़ापा पहले ही देख सकते? एक समय से दूसरे समय में जाना ही टाइम ट्रेवल कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पिक्चर 1940 में ब्रिटिश कोलंबिया सिटी की है। इस इंसान की ड्रेसिंग सेंस थोड़ी मॉडर्न नहीं लगती। इस इंसान के हाथ में एक डिजिटल कैमरा देखा गया, पर उस टाइम में तो डिजिटल कैमरा था ही नहीं। तो क्या हम इसे टाइम ट्रैवलर कह सकते हैं? ये तस्वीर एंड्रयू बिसैगो की है। इन्होंने प्रोजेक्ट पेगासस पर काम किया था जो टाइम ट्रैवल पर बेस्ड था। इनका कहना है कि ये 1816 में चले गए थे जब अब्राहम लिंकन ने भाषण दिया था, और इन्होंने ये पिक्चर्स दिखाई और कहने लगे यह बच्चा ये खुद है। क्या हम इन्हें भी टाइम ट्रैवलर कह सकते हैं? तो चलिए बात करते हैं हम स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में, जो एक जाने माने थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। उन्होंने एक पार्टी रखी टाइम ट्रैवलर्स के लिए। ये रहा उस पार्टी का इनविटेशन कार्ड आपके सामने। उन्होंने सोचा कि ये इनविटेशन कार्ड की कॉपीज फ्यूचर तक रहेंगी, और अगर उस टाइम पर टाइम मशीन डेवलप हो चुकी तो ना जाने उस फ्यूचर का टाइम ट्रैवलर ये इनविटेशन कार्ड पढ़कर मेरी पार्टी में आ जाए। पर अफसोस, कोई नहीं आया। माना गया है कि इनविटेशन कार्ड शायद फ्यूचर तक एग्जिस्ट ही ना किया हो, बीच में ही ये वर्ल्ड वॉर, फ्लड्स या किसी और कारण से डिस्ट्रॉय हो गया हो, जिस कारण फ्यूचर के लोगों को यह कार्ड मिला ही ना हो। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की। मान लीजिए कि एक इंसान ने टाइम मशीन बनाई, वो पास्ट में गया अपने ग्रैंडफादर के पास और उसने जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दिया। अब जब ग्रैंडफादर मर ही गए तो मतलब उनकी ना मैरिज हुई, ना उस फादर पैदा हुआ, ना उनकी मैरिज हुई, ना ही वो पर्सन पैदा हुआ जिसने टाइम मशीन बनाई। तो फिर ये कौन इंसान था जो टाइम मशीन बनाकर ग्रैंडफादर को मारने गया, जबकि ग्रैंडफादर तो मर ही चुके थे? तो ये कैसे पैदा हुआ? तो इसका तोड़ निकाला गया पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स के हिसाब से यहाँ पर दो टाइमलाइंस बनेंगी। एक टाइमलाइन में क्या होगा कि पर्सन ने जब ग्रैंडफादर को मारा तो पर्सन की एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी, पर दूसरे टाइमलाइन पे इस पे पर्सन पे कोई अर्सन नहीं पड़ेगा, पर्सन एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पर दो केसेस बन जाएंगे जो बिल्कुल पैरेलल होंगे, और यही कारण हो सकता है कि टाइम ट्रैवलर्स हमारी पार्टी में जो स्टीफन हॉकिंग ने रखी थी हमारे अर्थ पर, वो वहां पर ना आए हों। हो सकता है कि वो किसी और टाइमलाइन में टाइम ट्रेवल्स गए हो पार्टी में, जिसका हमारे टाइमलाइन पर कोई भी असर ना पड़ा। टाइम ट्रेवल कैसे किया जाए? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। मतलब उस स्पीड से आप अर्थ का 7.6 टाइम्स चक्कर लगा सकते हैं सिर्फ एक सेकंड में। पर कंटिन्यूसली स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से ट्रैवल करने के लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, जो कि एक ह्यूमन अप्रोच नहीं है। यहाँ हमारे पास नया टॉपिक आता है जो है वॉर्म होल्स। हमारे आसपास कितनी चीजें होती हैं, अगर हम हर चीज को देखें तो हमें कुछ ना कुछ खड्डे जरूर नजर आएंगे। सबसे स्मूथ सरफेस अगर एक बॉल को भी देखा जाए एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो उसमें हमें हजारों नहीं करोड़ों खड्डे नजर आएंगे। अगर हम 4D लेवल पर बात करें, जहां टाइम हमारा यानी समय हमारा फोर्थ डायमेंशन माना जाता है, तो टाइम में भी ये खड्डे पाए जाते हैं, और इन्हीं खड्डों को हम नाम देते हैं वॉर्म होल्स। वॉर्म होल एक वो रास्ता है जो एक टाइम को दूसरे टाइम से जोड़ता है, पर ये इतना छोटा होगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी इससे बड़े होंगे। मान लीजिए आपके पास एक कागज है और उस कागज पर दो गोले बने हैं। अगर अब आपसे पूछा जाए तो इस दो गोलों के बीच में सबसे कम दूरी कौन सी होगी, आप सब सोचेंगे कि ये वाली दूरी। अगर आप ये वाली दूरी सोच रहे हैं
तो यहां पर आप गलत हैं। अगर इस कागज को कुछ इस प्रकार मोड़कर रखा जाए तो इन दो गोलों के बीच में सबसे कम दूरी यह होगी। एक वॉर्म होल को एग्जॉटिक मैटर से बड़ा किया जा सकता है जिससे इंसान निकल सके। ये एग्जॉटिक मैटर ऐसा होता है कि ये लॉ ऑफ फिजिक्स को वॉयलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मास नेगेटिव होता है, ये हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल करता है। पर प्रॉब्लम यह है कि कोई नहीं जानता कि एग्जॉटिक मैटर कैसे बनाया जाए, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए और ये कहां मिलता है। मान लेते हैं कि एग्जॉटिक मैटर बना लिया गया, उसकी मदद से वर्म होल को बड़ा कर लिया गया, पर तब भी हम नाकाम रहेंगे क्योंकि ये वर्म होल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही बनकर तबाह हो जाता है। क्योंकि अभी तक वॉर्म होल के बारे में कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, इसलिए हमें ब्रह्मांड की सैर परंपरागत तरीके से ही करनी होगी। अगर हम माइकल काको की माने तो जो भी मैथमेटिकल प्रूवन है वो हमेशा पॉसिबल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये असंभव है, पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है जो इसे संभव प्रूफ कर सके। तो अगर आप इस वीडियो को फ्यूचर से देख रहे हैं तो आप स्टीफन हॉकिंग्स की पार्टी में इनवाइटेड हैं। ये रही आपके सामने स्टीफन हॉकिंग्स की पार्टी की सारी डिटेल्स। आशा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कई प्रश्न पैदा हुए होंगे।